लाइफ इज नॉट अ इजी गेम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे आपने डिग्री ले ली और अब आपको जॉब चाहिए, योर सिस्टर इज एट द एज ऑफ, यंगर सिस्टर इज एट द एज ऑफ द मैरिज और आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, देन यू हैव लॉस्ट योर सूटकेस इन अ बस, ठीक है, या आपके पेट डॉग मिस हो गया है, वो कहीं चला गया है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो हमको हेल्प करती है वो होती है एडवर्टीजमेंट्स। यस, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ द राइटिंग स्किल इज एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स हेल्प अस टू पब्लिसाइज व्हाट वी वांट, इट हेल्प्स अस, इट टेक्स द मैसेज टू द मास मीडिया कि हमको किस क्या चाहिए, एंड हेल्प्स द इंटरेस्टेड पार्टीज टू रीच टू अस, जिनको इस चीज में इंटरेस्ट है या जो हमारी नीड पूरी कर सकते हैं वो हमारे तक पहुंच जाते हैं। ऐसी एड्स होती है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होती है वो एडवर्टीजमेंट जो हम न्यूज़पेपर में जनरली देखते हैं, इनबॉक्स होती है, वो वर्ड्स में होती है और उसमें डिटेल्स दी होती है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। इट इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज होगी वो आपको अप्रोच करेगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न the skill of writing the advertisements, the classified advertisements, advertisements that are given in English newspapers. Okay, now the types of ads जो हम लिखते हैं वो होती है matrimonial, situation vacant or situation wanted, lost and found, sale or purchase, then on rent. You want to give some building, extra building is there, extra house, extra room is there, you want to give on rent, missing and educational. Missing and educational. So, ये कुछ टॉपिक्स है जिसके अंडर में हम एडवर्टीजमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल इज रिलेटेड विद द मैरिज। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड और ग्रूम, इसमें आपके दोनों हो सकते हैं, फॉर ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड के लिए और ग्रूम के लिए, ठीक है। ब्राइड होती है आपके घर में मेल मेंबर है जिसकी शादी होनी है और वो, उसके लिए आप दुल्हन ढूंढ रहे हैं। देन ग्रूम, आपकी कोई सिस्टर है और फीमेल मेंबर है, उसके लिए जब यू वांट अ सूटेबल हस्बैंड, यू आर लुकिंग फॉर अ सूटेबल हस्बैंड, देन इन दैट केस ग्रूम वांटेड। सो दिस इज फॉर ब्राइड और ग्रूम, एनी आपके दोनों में से कोई भी टाइप का एड आएगा एग्जाम में। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट मींस यू आर हैविंग ऑफिस और उसमें किसी, कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो ये अंडर दिस हेडिंग दिस पुट। एंड सिचुएशन वांटेड, यू वांट अ जॉब, यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन, आपको जॉब चाहिए, इन दैट केस आप इस हेडिंग के अंडर में ऐड लिखते हो। देन लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड, यू लॉस्ट समथिंग और यू फाउंड समथिंग, कुछ वैल्यूएबल किसी का आपको मिला है एंड यू वांट टू गिव द, यू वांट दैट इट शुड गो बैक टू इट्स ओनर, बहुत वैल्यूएबल है या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चाहते हो कि वो उसके ओनर के पास चले जाए, इन दैट केस अंडर द फाउंड हेडिंग वी पुट द राइट एडवर्टाइजमेंट। सेल एंड परचेज, सेल ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल और कमोडिटी, परचेज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी, व्हीकल और कमोडिटीज, दोनों ही आपके आते हैं, दोनों टाइप्स के, आइदर सेल के आ सकते हैं या परचेज के आ सकते हैं। सेल लैंड प्रॉपर्टी में फिर आपके आएगा यहाँ पे हाउस आ सकता है, बंगलो आ सकता है, ओके, इंडिपेंडेंट हाउस आ सकता है, और यू वांट टू सेल अ शॉप, और यू वांट टू सेल अ प्लॉट, गार्डन, समथिंग कुछ ऐसा है जो आपको सेल करना है, तो इसमें से कोई भी आर्टिकल के, कोई भी प्लेस के सेलिंग के लिए यू राइट द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। व्हीकल, व्हीकल में फिर आपके हो सकता है कुछ भी, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ट्रक हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी व्हीकल एक्सेट्रा, ये एक्सेट्रा। देन कमोडिटीज, कमोडिटीज में कुछ भी आर्टिकल, हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो सकता है, फर्नीचर, ठीक है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी आपका, आपके आर्टिकल आपको बेचना है, इन दैट केस यू राइट द एड अंडर द हेड सेल, सेल और परचेज, इफ यू वांट टू बाय देन यू राइट अंडर द हेड परचेज। उसके बाद ऑन रेंट, ऑन रेंट मतलब टू लेट, आपके पास कोई एक्स्ट्रा हाउस है, एक्स्ट्रा रूम है, एक्स्ट्रा बंगलो है, एक्स्ट्रा ऑफिस है, एंड यू वांट टू गिव ऑफिस बिल्डिंग, एंड यू वांट टू शॉप है कोई, ठीक है, दैट केस आपको उसको रेंट पे देना है, बेचना नहीं है, बेचना हो तो अंडर द शेड्यूल राइट, अगर रेंट पे देना है या आपको रेंट पे चाहिए, देन इन दैट केस ऑल्सो फिर वो
आएगा, रेंट आपको रेंट पे चाहिए तो टू लेट में नहीं आएगा, फिर आएगा वांटेड में, लेकिन है वही ऑन रेंट, वेदर इट इज अ शॉप हाउस सेम थिंग, इट इज अ शॉप और हाउस एनीथिंग, ठीक है, समथिंग यू वांट ऑन रेंट, ऑलराइट। देन मिसिंग, मिसिंग में आपके पेट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव मिस हो गया है, आपका कोई पेट मिस हो गया है, देन इन दैट केस यू राइट दिस अंडर दिस हेड एजुकेशनल, एजुकेशनल होता है आप आपको इंस्टीट्यूट खोलने वाला, आप कोई कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई और यू आर स्टार्टिंग सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट केस ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए होता है, ओके। और इसके बाद एक और हेड आता है, वो है टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स, यू आर रनिंग सम एजेंसी, टूरिंग एजेंसी और ट्रैवल एजेंसी आपकी है, और आप कोई ट्रैवल अरेंज कर रहे हो, कोई पैकेज अरेंज कर रहे हो, ट्रैवल पैकेजेस, दिस इज फॉर ट्रैवल पैकेजेस, ये पूरे पैकेजेस होते हैं, आप टूर लेके जाने वाले हो कहीं पे, तो उसके लिए आप ऐड देते हो, ठीक है, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ टूर, इनका होता रहता है, जो जो ट्रैवलिंग एजेंसी होती है वो टूर्स ऑर्गेनाइज करते रहता है, तो उसके लिए वो इस तरह से ऐड कर सकती है। नाउ सम थिंग्स यू शुड रिमेम्बर, ये है पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हेन यू आर राइटिंग इन कॉमन, ये सारे जो हेड्स अंडर व्हिच यू फॉर्म द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसमें हर एक में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या स्पेसिफिक चीजें जो आपको याद रखनी है, लेकिन इन जनरल इन कॉमन जो सब में होगी, ये सब में काम आएंगे, वो पॉइंट्स हैं 50 वर्ड्स में होना चाहिए, इसकी जो लिमिट है वो है 50 वर्ड्स, और बॉक्स में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऐड तो बना लेते हैं, बॉक्स मिस कर देते, तो उसका हाफ मार्क आपका चला जाता है, सो इट हैज टू बी एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। उसके बाद रनिंग लाइंस होनी चाहिए इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, आपको रनिंग लाइंस लिखनी है, यानी एक सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप हो गया फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया, ऐसे नहीं, रनिंग लाइंस का मतलब है अगर आपको बीच में कुछ सेपरेट करना है तो कमा से सेपरेट होगा, ठीक है, नो फुल स्टॉप इज देयर, नो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, ठीक है, कोई जरूरी एक दो लाइन बीच में ब्रेक हो सकती है, अदरवाइज यू राइट एवरीथिंग इन रनिंग लाइंस, नो शॉर्ट सेंटेंसेस, यू डोंट फॉर्म द शॉर्ट सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। वांटेड अ ब्राइड फॉर ए 24 इयर्स यंग बॉय, ऐसे से आपको लिखना है, फिर वापस कॉमा करके आगे का इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, सो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे, आप कंप्लीट सेंटेंसेस जैसे ग्रामेटिकल रूल्स नहीं फॉलो करोगे, इज एम आर वाज वर ये सब नहीं लिखना है, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बनाना, देन नो यूज ऑफ आई वी एक्सेट्रा, हम ये नहीं कहते कि माई ब्रदर इज अबाउट टू गेट मैरिज, माई ब्रदर इज एट द एज ऑफ द मैरिज एंड ही वॉन्ट दिस, तो ऐसे आपको प्रोनाउंस यूज नहीं करने, आई वी ही, ठीक है, नो यूज ऑफ प्रोनाउंस, डायरेक्टली लिखना है, लिखते लिखते आपको वो आर्ट आ जाएगा समझ में, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको वो इजिली आ जाएगी चीज के, एक तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर दे देना, ये सारे एड्स में होते हैं, इसमें आप मोबाइल नंबर दे सकते हो, ईमेल एड्रेस दे सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, हमको कहाँ पहुँचना है, कुछ भी, आइदर यू कैन गिव एवरीथिंग और यू कैन गिव आइदर, सिर्फ आप मोबाइल नंबर दे दीजिए या आप ईमेल एड्रेस दे दीजिए या आप अपना एड्रेस अपने ऑफिस का एड्रेस जो आपको लेना चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके नाम के साथ जरूर होगा, नाम भी होगा वहाँ, ठीक है। कुछ अगर नहीं कॉन्टैक्ट देना चाहते, कुछ डिक्लेयर नहीं करना चाहते, इन दैट केस वो पोस्ट बॉक्स नंबर लिखते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर वो आपको जो ये एड्रेस न्यूज पेपर में आप दे रहे हो वही लोग आपको अलॉट करेंगे, तो उस पोस्ट बॉक्स में आपके जो लेटर आएंगे वो आपको सप्लाई कर दी जाएंगे, आपको दे दी जाएगी, ठीक है, तो वो पोस्ट बॉक्स होता है, लेकिन 99% केसेस में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही देने हैं, ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको नाम दिया हुआ होता है एडवर्टीजमेंट में कि यू आर सो एंड सो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पियोन फॉर योर ऑफिस, राइट एडवर्टीजमेंट इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ डेली न्यूज पेपर, ठीक है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन से को रिलेट करके फिर आपको ये क्लासिफाइड एड्स फॉर्म करनी है, ठीक है। इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग थ्री टाइप्स ऑफ एड्स, दैट इज मैट्रिमोनियल, सिचुएशन वैकेंट एंड लॉस्ट एंड फाउंड, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द अदर्स, ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज नोट्स एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द मैट्रिमोनियल एड्स। Yes, so we are back with the sample advertisements on matrimonials. ये matrimonial के ads है दो, जिसमें एक में लिखा हुआ है bride wanted and in the other one is groom wanted. Bride wanted means the advertisement is given from the boy side,
बॉय साइड से अगर कोई मेल मेंबर है जिसकी शादी नहीं है तो उसके लिए आप किस तरह का ऐड देंगे, ठीक है। और ग्रूम वांटेड इफ यू हैविंग अ फीमेल मेंबर, इफ यू हैविंग अ गर्ल दैट इज अनमैरिड गर्ल इन योर फैमिली, उसके लिए हम इस टाइप का ऐड देते हैं ग्रूम वांटेड, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती है जो हमको इस मैट्रिमोनियल ऐड में लिखनी होती है, ये यहाँ पे है पॉइंट्स टू रिमेम्बर में। These are the particular points we have to remember pertaining to matrimonial acts. So, ये points to remember है matrimonial acts के लिए जो सारे matrimonial acts में आएगा, age, height, complexion. Complexion मतलब fair है, dark है, British complexion है, किस complexion का है, किस skin का color क्या है, then educational qualification लिखना है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, nature of employment कहाँ job करते हैं, उनकी income क्या है, if he is a professionalist तो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कास्ट अगर जरूरी हो तो कास्ट लिख दो, नहीं तो लिखो कास्ट नो बार, कोई भी कास्ट चलेगी, रिक्वायर्ड हो तो आप लिखोगे ये कास्ट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। देन क्वालिटीज एक्सपेक्टेड इन द पार्टनर, जो आगे जो जिसे हम अलायंस इनवाइट कर रहे हैं, जिससे हम प्रपोजल इन्वाइट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए चाहे वो ब्राइड हो या ग्रूम हो। देन पोस्ट बॉक्स नंबर, वो तो मैंने पहले बता दिया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर आपको हमेशा लिखना है, अगर ये नहीं देंगे तो इन दैट केस ये और दिया हुआ है, मतलब नाम देना है, कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस, तो ये डिटेल्स नहीं है, ये नॉट प्रोवाइडिंग द पोस्ट बॉक्स नंबर। लेकिन मैट्रिमोनियल कॉलम्स में मोस्टली पोस्ट बॉक्स नंबर ही दिया जाता है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर कोई एड्रेस नहीं दिया जाता है। सो ब्राइड वॉन्टेड, नाउ इन दिस केस यहाँ पे आपके घर में कोई ब्रदर है या आपका सन है किसी के लिए आप यू आर इनवाइटिंग, अब हमेशा दोनों टाइप के ऐड में आपको ये लिखना है अलियांस इनवाइटेड बाय, अलियांस इनवाइटेड बाय, ये दोनों ही एड्स में आएगा चाहे वो ग्रूम वांटेड है ब्राइड वांटेड है। उसके बाद आपको अपने कैंडिडेट के सारे डिटेल्स देने हैं, एज हाइट कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो अर्निंग मेंबर है जैसे फीमेल के केस में अर्निंग है तो उनको कहाँ जॉब करती है, ये सब डिटेल्स आपको देनी है। यहाँ इन दिस केस इट इज अ मेल क्योंकि ब्राइड वांटेड है, तो हमारा जो कैंडिडेट है वो मेल कैंडिडेट है, बाय ए टॉल हैंडसम डॉक्टर, एमएस किया हुआ है, 20 ये इनकी एज है, ये इनकी हाइट है 5 feet 8 inches ये इनकी हाइट है, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, अभी नाउ एट प्रेजेंट ही इज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, अभी वो दिल्ली में उनकी डिस्पेंसरी है। देन कल्चरल फैमिली, ये कल्चरल फैमिली है, कल्चरल नहीं कल्चर्ड फैमिली, कल्चर्ड मीन्स वैल्यू बेस्ड फैमिली है, उनकी वैल्यूज बहुत हाई है, सो इट इज अ कल्चर्ड ट्रेडिशनल फैमिली है फॉर अ ब्यूटिफुल, अब ये फॉर करके फिर उसके बाद देना है आपको अपोजिट कैंडिडेट के सारे डिटेल्स, उस केस में भी आपको किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, क्या क्वालिटीज चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वालिटीज, क्या एज चाहिए, क्या उनका कॉम्प्लेक्शन, क्या एजुकेशनल लेवल चाहिए, क्या इनका इनकम लेवल चाहिए, That all thing you will give after this. तो ये आपके कैंडिडेट की डिटेल्स है, फॉर करने के बाद आपको सामने कौन सा कैंडिडेट चाहिए उसके डिटेल्स आएंगे। तो ए ब्यूटीफुल स्लिम फेयर टॉल, ये एक्सपेक्टेशन है कि जिस जो गर्ल अप्लाई करेगी हैज टू बी ब्यूटीफुल स्लिम फेयर टॉल वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए कल्चर ब्राह्मिन फैमिली, यहाँ पे इन्होंने कास्ट बताया इसी कास्ट के लोग आएंगे, तो प्रपोजल यही से आएंगे और दूसरे कास्ट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तो कल्चर ब्राह्मिन फैमिली, देन यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, जनरली यहाँ कहीं मोस्टली फुल स्टॉप नहीं होता है, रनिंग जैसे बोला था कि दे हैज टू बी रनिंग लाइंस, तो रनिंग लाइंस होती है जो आपको डिटेल देनी है, कमा कमा करके सारी डिटेल्स डाल दो, उसके बाद सेंड बायोडेटा टू पोस्ट बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर जनरली 3 digits में होता है, फिर कॉमा करके कौन सा न्यूज पेपर है, फिर कॉमा करके सिटी, सिंपल एंड शॉर्ट। सो दिस इज द डिटेल, आपके कैंडिडेट की डिटेल दीजिए आप ऐसे अलियांस इन्वाइटेड बाय करके सारे डिटेल्स, देन फॉर करके किसके लिए प्रपोजल इनवाइट कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे प्रपोजल भी लिख सकते हैं, प्रपोजल इनवाइटेड बाय, फिर उस अपोजिट मेंबर के सारे अपोजिट कैंडिडेट के सारे डिटेल्स आपको लेने हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे उसके जस्ट उल्टा, ग्रूम वांटेड आपका कैंडिडेट है वो एक गर्ल है, शी इज अ गर्ल, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज दैट जो आपका कैंडिडेट है वो एक गर्ल, ठीक है, और आप प्रपोजल इनवाइट कर रहे हो किसी बॉय मेंबर, इन दैट केस अलियंस इनवाइटेड बाय, ठीक है, अब गर्ल खुद इनवाइट नहीं करी, यहाँ पे तो बॉय खुद इनवाइट करे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो अलियंस इनवाइटेड बाय अ वेल नोन बिजनेसमैन
फॉर हिज टॉल हैंडसम डॉक्टर सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ इन्होंने ऐसे लिखा है, ये फादर इनवाइट कर रहे हैं, एलियंस इज इनवाइटिंग इनवाइटेड बाय फादर, एलियंस इनवाइटेड बाय गर्ल्स के केस में नॉर्मली यही होता है कि फादर को लिखा जाता है कि फादर ही एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे, वही चेक करेंगे, वही देखेंगे गर्ल को इतना जल्दी वो शी हैज शी कंसल्ट टू द फादर इन दिस केस, इसलिए फादर यहाँ पे जो प्रपोजल है वो इनवाइट करेंगे। एलियंस इनवाइटेड बाय अ क्लास वन क्लास फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर है वो अपनी बेटी के लिए, For his beautiful, fair, slim daughter, 23 years, 5 feet 3 inches, उसकी height है, 55 kg, उसका weight है, girls के cases में weight भी देना, अगर ऐसे male member किसी में भी weight भी आप weight भी डाल सकते हो, then 55 kg, convent educated, she is educated from the convent school, ठीक है, जो church oriented schools होता है, convent educated school, working as a PGT in private school, ये अभी आपके member के आपके जो मेंबर है जो आपका कैंडिडेट है उसके सारे डिटेल्स है, ठीक है। बॉय शुड बी, अब अपोजिट मेंबर जो अपोजिट कैंडिडेट है मैं बॉय, उसके अंदर आपको क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, बॉय शुड बी टॉल हैंडसम अ डॉक्टर सीए वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, मतलब ये प्रोफेशंस हैं जो आप प्रेफर करोगे, या अगर बिजनेसमैन है तो वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होना चाहिए, कोई नया बिजनेस नहीं होना चाहिए उनका, फ्रॉम ए रेप्यूटेड ब्राह्मण फैमिली, यहाँ पे भी उनको ब्राह्मण फैमिली चाहिए, यहाँ पे जैन हो सकती है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कास्ट नो बार, कोई भी कास्ट चलेगी तो हम लिखते हैं कास्ट नो बार, विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज, ऐसी भी फैमिली चाहिए जिसके जिसमें बहुत संस्कार हो, वैल्यू बेस्ड फैमिली जैसे यहाँ पे, देन काइंडली रेस्पॉन्ड विद फुल पर्टिकुलर सारे डिटेल्स, बायोडाटा जिसको कहते हैं बायोडाटा यहाँ पे देना है, टू द एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर को देना है, अब जो भी आपका डिटेल्स भेजोगे उस पर एड्रेस ये लिखोगे, एडवर्टाइजर पोस्ट बॉक्स नंबर 831 हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, ठीक है। तो ये अब ना आप देखिए इन दोनों में मैच कर रहा है जी, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं और इनका मैरिज सेट हो सकता है, सो लाइक दिस इट इज। तो गर्ल ब्राइड में ब्राइड जब आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको आपको अपनी अपने बेटे की अपने जो ब्रदर है उसके सारे डिटेल्स दे, फिर फॉर करके जो एक्सपेक्टेड है उस गर्ल में वो डिटेल्स दे, लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो भी देना है, पोस्ट बॉक्स नंबर, मैट्रिमोनियल में मोस्टली पोस्ट बॉक्स नंबर ही देना है, कौन सा न्यूज पेपर देना है और सिटी का नाम देना है, देन ग्रूम वांटेड है तो आपके जो मेल मेंबर है सॉरी जो फीमेल मेंबर है उसके सारे डिटेल्स दे, फिर मेल मेंबर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है। वेरी सिंपल, copy this down and then we will do the advertisement situation vacant or situation wanted. ये है वो दो एड्स जो आप जॉब से रिलेटेड, ठीक है, एक है सिचुएशन वैकेंट और दूसरा है सिचुएशन वांटेड। एड्स पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, अगर आप वैकेंट के बारे में, अगर आपका कोई ऑफिसर आपको कोई एम्प्लॉई चाहिए, ठीक है, आप किसी को जॉब पे रखना चाहते हैं, उस केस में नेम ऑफ द पोस्ट एंड वैकेंट सीट्स, आपके वहां कौन सी पोस्ट वैकेंट है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, एंड क्वालिफिकेशन, आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए उस इंसान के अंदर, वर्किंग एक्सपीरियंस कितना चाहिए, देन एज लिमिट, कितनी एज तक का इंसान चाहिए, जेंडर मेल चाहिए फीमेल चाहिए क्या कोई भी चलेगा, सो दैट यू हैव टू मेंशन पर्टिकुलरली, देन एनी अदर स्किल्स रिक्वायर्ड, उसके अंदर कोई और स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए या कंप्यूटर नॉलेज चाहिए और कोई और स्पेशलाइजेशन चाहिए, उस केस में आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। ही हैज टू बीन आर्टिस्ट, अगर आपको वो चाहिए आर्टिस्ट भी होना चाहिए तो आप उसमें मेंशन करोगे ये रिक्वायरमेंट है, देन सैलरी आप कितनी दे सकते हैं, जनरली नॉर्मली ये लिखा रहता है सैलरी निगोशिएबल, सैलरी निगोशिएबल मतलब जब कैंडिडेट आता है उसे मिलते हैं उसकी क्वालिटीज उसकी क्वालिफिकेशंस उसकी एबिलिटीज उसका जो कैलिबर है वो देख के सैलरी दी जाती है, इसलिए वो जनरली इसमें सैलरी निगोशिएबल ही लिखी जाती है, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस, फिर यहाँ पे एड्रेस जरूर देना है, कंपनी का नाम और एड्रेस, इसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देना है, उसके बाद सिचुएशन वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब आपको अगर जॉब चाहिए, आप क्वालिफाइड है और आपके पास जॉब नहीं है, यानी यू आर रिक्वायरिंग, यू आर सर्चिंग अ जॉब, सीकिंग अ जॉब, इन दैट केस आप लिखोगे सिचुएशन वॉन्टेड के अंडर में एडवर्टीजमेंट को, उसमें आपको क्या चाहिए, नेचर ऑफ जॉब, सॉर्ट सॉर्ट सीक का पास्ट टेंस,
मतलब कैसा जॉब ढूंढ रहे हो, किस टाइप का जॉब ढूंढ रहे हो, देन क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन आपका है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, कौन सा जेंडर है आपका, देन सैलरी एक्सेप्टेबल, आप कितनी सैलरी पे काम करने को तैयार, ठीक है, देन कॉन्टैक्ट एड्रेस और नंबर, यहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फुल एड्रेस, अपना नाम, सब कुछ डिटेल्स देनी, ठीक है ना। अब रीड करते हैं दोनों एड्स को। सिचुएशन वैकेंट, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पर्सन चाहिए, ही वॉन्ट्स अ पर्सन, ओके, वॉन्टेड, ये दोनों, ये एड शुरू होगी वॉन्टेड से, भले ये सिचुएशन वॉन्टेड है लेकिन ये जहां पे आपको वैकेंसी है वो वॉन्टेड से स्टार्ट करेगा, ये बोर्ड में आएंगे, ठीक है, जैसे उसमें एलियंस इनवाइटेड था मैरिज वाले में, वैसे यहाँ पे आपको वांटेड लिखना है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिखना अवेलेबल, आप इसको चाहे तो इसको भी बोल्ड में लिख सकते हैं, अवेलेबल, ओके, ये बोल्ड में ही लिखना है फर्स्ट लेटर, टू स्टार्ट इन योर एडवर्टीजमेंट, जो क्लासिफाइड फॉर्म एडवर्टीजमेंट उसमें आपको पहला वर्ड बोल्ड में स्टार्ट करना, और ये हेडिंग जो है वो सेंटर में लिखनी है, ठीक है, पर्टेनिंग टू दिस एड, जो एड जो हेडिंग है, जैसे उसमें ब्राइड वांटेड था, ग्रूम वांटेड था, यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट है, वो आपको बिल्कुल सेंटर में लिखना है और बोल्ड में लिखना है, देन वांटेड अ मेल और फीमेल, यहाँ पे कोई भी चलेगा, फ्लोर मैनेजर, ये पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है, फ्लोर मैनेजर चाहिए आपको, मस्ट बी एक्सपर्ट इन सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आपकी जॉब से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशन है कि वो इंसान सुपरविजन में एक्सपर्ट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी स्टाफ को प्रॉपरली मैनेज करना उसको आना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, मिन लिखा है मतलब वो मिनिमम होता है, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम नहीं, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी उसको बातचीत करने का तरीका उसके पास अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कन्वे हिज व्हाटएवर ही थिंक्स, लोगों दूसरों को कन्विंस करना उसको आना चाहिए, फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज उसको प्रॉपरली आनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए बोलने में, फास्ट बोल सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस तो उसको फेवर मिलेगा, देन प्लीजिंग पर्सनैलिटी, उसका जो लुक है, उसका जो ऑरा है, उसका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब देख के शी हैज टू बी अट्रैक्टिव, अलियरेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, 35-40 इयर्स ऑफ एज, उसकी एज इनके बीच में होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं, अब एक्सपीरियंस जब वो मांग रहे हैं तो 35-40 इयर्स के बीच की एज आएगी, देन MPA, HRD, उसकी डिग्री होनी चाहिए, HRD में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टाफ को मैनेज करना है, मतलब HRD में उसका MPA होना चाहिए, प्रोफेशन प्रेफर्ड, अगर ये डिग्री होगी तो ज्यादा प्रेफर करेंगे, बाकी भी MBAs चलते हैं, मैनेजर है MBA तो होना ही चाहिए, लेकिन HRD में अगर ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, अगर बाकी MBA होगी तो भी वो मैनेज एडजस्ट कर सकते हैं, देन अट्रैक्टिव पर्क्स, अब ये उनकी तरफ से क्या देंगे, ये हमको चाहिए, इतनी चीजें हमको चाहिए, अब वो उनकी तरफ से क्या देंगे, पर्क्स, पर्क्स का मतलब परक्विजिट्स होता है, परक्विजिट्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो मिलते हैं, जो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स स्टाफ को देती है वो पर्क्स होते हैं, कभी लंच डिनर प्रोवाइड किया जाता है, कुछ हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है, एक्स्ट्रा पर्क्स, सैलरी और प्लस सैलरी, ये दोनों चीजें होगी, अट्रैक्टिव सैलरी होगी और फैसिलिटीज परक्विजिट्स अच्छे होंगे, अप्लाई विद डिटेल्ड रिज्यूमे, यहाँ पे अप्लाई करना है, ये डेजिग्नेशन है जिनको आपको अप्लाई करना है, ये कैपिटल में आएगा, ए और ओ मैनेजर लिखा है, एम कैपिटल पर, ये मैनेजर की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लिखे, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये कंपनी का नाम है, जिंदल स्टोर, फिर ये आपको पूरा इसका एड्रेस देना है, ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, दिस इज द एड्रेस जहाँ पे ये कंसर्न है, जहाँ पे ये कंपनी यहाँ ऑफिस है और वहाँ पे उनको ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, दीज आर द डिटेल्स, आपको क्या एक्सपेक्टेड है और आप क्या सैलरी दे सकते हो, ये सब यहाँ पे लिखना है, अट्रैक्टिव सैलरी लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं सैलरी निगोशिएबल, निगोशिएबल मतलब सैलरी पे बैठ के सेट कर सकते हैं, देन सिचुएशन वांटेड, इस केस में आप एक क्वालिफाइड इंसान हो और आपको उसके जॉब चाहिए, आपको डेजिग्नेशन मैंने जब जॉब एप्लीकेशन करवाई तब करवा दी थी, तो अगर आप उसमें से कोई भी डेजिग्नेशन लिख सकते, कोई भी क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, यहाँ पे MBA है ये इंसान, MBA है HRD में, अवेलेबल, ये अवेलेबल क्यों लिखा है, बिकॉज उसको जॉब चाहिए तो अब वो अवेलेबल है, ही इज अवेलेबल टू ऑफर हिज कैंडिडेटचर, सो अवेलेबल एंड एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड, MBA HRD में दिया हुआ है, मैनेजर चाहिए, अवेलेबल मैनेजर, क्वालिफाइड मैनेजर, अब क्वालिफिकेशन उसने ब्रैकेट में लिखा है पर्टिकुलरली बताने के लिए कि मैं MBA हूँ HRD में, इन सुपरविजन, ये एक्सपर्ट इन सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत इसमें बहुत काम किया हुआ है, 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मेरा वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स का या 10 इयर्स का, 8 इयर्स का, 20 इयर्स का, जितना आप चाहे एज के हिसाब से बताना, देन गुड कम्युनिकेशन स्किल,
बातचीत करने में अच्छा है, फ्लुएंट इन इंग्लिश है, हिंदी बोल, दोनों लैंग्वेजेस में अच्छा है, कैन ट्रैवल एनीवेयर एट अ शॉर्ट नोटिस। ये एक्स्ट्रा चीज से बताए कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, अब्रॉड भी जा सकता हूँ, आप मुझे एक दिन में एक दिन पहले बता दीजिए तो मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। देन सैलरी एक्सपेक्टेड, अब ये बताते हैं कि मैं किस सैलरी से कम में नहीं आऊंगा, एंड दिस लेस सैलरी लेस देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 40,000 पर मंथ पीएम लिखा है, मतलब पर मंथ प्लस पॉक्स एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट द जॉब। देन कॉन्टैक्ट, आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, और फिर उसको क्लोज करना है, आपको इसको बॉक्स में क्लोज करना है। इस तरह से आपको सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, ये सेम मैटर मैंने इसलिए यूज किया जिससे आपको समझ में आएगी कौन से टाइप के एड में आपको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह का इंसान चाहिए था वो इंसान यहाँ अवेलेबल है, ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हियर एंड गेट हिज जॉब लाइक दिस इट इज। तो ऐसा हमेशा नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप एक क्वालिफाइड टीचर हो, यू आर अ पीजीटी, यू हैव डन योर बीएड और एमबीएड, एंड यू हैव डन योर बीएड और एमएड, एंड यू हैव योर डन योर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, यू हैव डन योर एमएससी एंड यू आर लुकिंग फॉर जॉब फॉर लेक्चरशिप, तो उसके इसमें आप यहाँ पे बहुत सारे डिटेल लिखो जो आपको दी हुई, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि यू आर रनिंग द ब्रॉसम इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड यू आर लुकिंग फॉर स्मार्ट टीचर, स्मार्ट नर्सरी टीचर्स और प्री प्राइमरी टीचर्स, देन राइट द एड फॉर दिस, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड्स होते हैं, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये जनरली सब पे आएगा रिक्वायरमेंट्स, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सारे जॉब्स भी जरूरी है, ठीक है, और फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी में, ये भी सारे जॉब्स में ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सभी जॉब्स में चाहिए। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है, बाकी आपको अपने हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से उसको फॉर्म करना है, ठीक है। सो नोट दिस डाउन, सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, एंड नाउ वी विल डू द एड्स पर्टेनिंग टू लॉस्ट एंड फाउंड। यस, दीज आर द लास्ट एड्स फॉर टुडे, लॉस्ट एंड फाउंड। इस कॉलम के अंदर में हम क्या लिखेंगे, तो कोई चीज अगर आपको मिली है या आपकी कोई चीज गुम हो गई तो इस हेडिंग में लिखना पड़ता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लॉस्ट, ये क्या पर्टिकुलर्स हैं, डिटेल्स हैं जो आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड। व्हाट इज लॉस्ट अकाउंट, क्या आर्टिकल है, कौन सी चीज है, कलर और कंडीशन, किस कलर का है, किस कंडीशन में, न्यू है, ब्रांड न्यू है या ओल्ड है, अदर डिटेल्स, काफी सारे डिटेल्स इसके देने हैं। वेयर एंड व्हेन लॉस्ट, कहां, प्लेस का नाम लेना है, वेयर एंड व्हेन, किस जगह किस समय ये आपको मिला या आपका गुम हो गया। देन रिवॉर्ड इफ एनी, ये सारे डिटेल्स आपको देने, रिवॉर्ड अगर इस केस में आपको रिवॉर्ड ऑफर करना है, जो भी फाइंडर है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर से हुई, आपका एड्रेस, नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कंप्लीट देना है, ठीक है, ओके। सेम वे आई विल गिव द हेड इन द सेंटर, बोल्ड में आएगा, स्टार्टिंग भी बोल्ड में आएगा, लॉस्ट है तो लॉस्ट बोल्ड में आएगा, क्या आपको मिला है, क्या आपका गुम हो गया है, ब्लैक ब्रीफ केस, एक ब्रीफ केस गुम हो गया है, ब्रीफ केस मतलब सूटकेस, सूटकेस से छोटा होता है। व्हाइल ट्रैवलिंग बाय डीटीसी रूट नंबर 210, जब मैं इस बस में जा रहा था तो मैंने सूटकेस रखा होगा, ब्रीफ केस रखा होगा, मैं उतरने के टाइम पे लेना भूल गया। फ्रॉम लक्ष्मी नगर टू पटेल नगर, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे तो इस रूट के बीच में मेरा ब्रीफ केस गुम हो गया है। On Wednesday 8 July 2000, अब यहाँ पे हमेशा कभी भी आपको year हो cross cross ही लगाना, you don't have to write a particular year, between 2 to 2:30 PM, इस time के बीच में ये गुम हो गया था। Name inscribed in golden letters in on one side, एक साइड में मेरा नाम भी लिखा हुआ, ठीक है, ये चीज यहाँ भी आ सकती है। Then it contains important documents, इसमें हमारे documents है, finder will be suitably rewarded, जो भी मुझे ढूंढ के देगा, ये जो भी मुझे ला के देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नाम देना है, पूरा नाम देना है, पूरा एड्रेस देना है, और हो सके तो कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है। फाउंड, आपको कोई चीज मिली है, ब्राउन कलर, इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं देने क्योंकि अगर आपने ज्यादा डिटेल्स दी तो कोई भी उठ के आ जाएगा कि मेरे आर्टिकल है, ये मेरी चीज है, तो इसमें आपको कुछ चीजें हिडन रखनी है, कुछ डिटेल्स बताना है, कुछ चीजें हिडन रखनी है। जैसे फाउंड स्टार्टिंग बोल्ड आएगा कि ब्राउन कलर वीआईपी लेदर सूटकेस फ्रॉम डीटीसी बस नंबर 785 इस रूट में मुझे मिला, कब मिला है, ऑन वेडनेसडे, इस डेट को द ओनर मे कॉन्टैक्ट, ओनर आ सकता है, मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, विद अ प्रॉपर की, इसकी चाबी और नंबर ऑफ द लॉक,
नंबर लॉक किया हुआ है तो उसका नंबर प्रॉपर बताएगा तो वो ओनर माना जाएगा। फिर नाम दो अपना, पूर्वा लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, फोन नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी आपको ऐसे नहीं ना फर्स्ट 4 डिजिट देना, प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से ऐड यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है जो आपको मिली है या गुम हो गई, कोई वॉच हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कोई ऐसी आर्टिकल, प्रेशियस आर्टिकल जिसके लिए आपको ऐड देना जरूरी हो जाए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से न्यूज़पेपर में ऐड दिया हुआ। ऑलराइट, नोट दिस डाउन, नेक्स्ट वीडियो विल बी लर्निंग सम अदर एड्स। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।